हिंगना पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में हुई दर्दनाक लैंगिक अत्याचार की घटना में अब नई अपडेट सामने आई है, जिसके विषय में जानकारी दी पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने। आयोजित पत्रकार परिषद में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने जानकारी दी कि इस लैंगिक अत्याचार के मामले में नागपुर पुलिस द्वारा प्राथमिकता से जांच की जा रही है, जहां पीड़िता द्वारा आरोपी की पहचान सुनिश्चित की गई है तो अपराधी को 23 अक्टूबर तक PCR में रखा गया है। साथ ही साथ इस मामले में स्पेशल काउंसलिंग के लिए आवेदन भेजा गया है, जिसके चलते इस मामले में जल्द ही न्याय होगा। आम्ही जसे पूर्वी सांगितले होते ते आरोपी अटक झाल्यानंतर आम्ही पहले त्यांचे MCR केले होते, टेस्ट आयडेंटिफिकेशन परेड झाली होती, ते टेस्ट आयडेंटिफिकेशन परेडमध्ये ते आरोपी ला ओळखण्यात आलेली आहे। आता ते आमचे PCR मध्ये 23 तारीखपर्यंत आहे। युद्ध पातळीवर या प्रकरणाची तपास सुरू आहे। लवकरात लवकर या प्रकरणमध्ये चार्जशीट करण्याची आमची तयारी आहे। यामध्ये स्पेशल काउन्सिल नियुक्त करण्याची प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आलेली आहे, ती पण लवकरात लवकर मंजुरी होऊन येतील। या केसला अत्यंत प्राधान्याने फास्ट ट्रॅकवर घेण्यासाठी पूर्ण उपाययोजना सुरू आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।